तो सरकार में नहीं थे कभी, कह नहीं सकते थे रणवीर गंगवा जी को, क्योंकि सरकार में रहे नहीं कभी। अब की बार तो पूर्ण बहुमत था, सरकार था, सबको नौकरी लगा देते। डीसी रेट पे भी, एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नौकरी डीसी रेट पे भी नहीं लगाई गंगवा साहब ने, कहाँ से मिलेंगे वोट जी। आपको नहीं लगता कि आप दूसरों की बातें करने की बजाय पहले जो ये जेजीपी से जो रोजाना पांच चार निकल रहे हैं बड़े चेहरे, उनको रोकना चाहिए जरूरी। भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हारेगा जी, उन्होंने हमेशा जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति की, मैंने तो इशार में चैलेंज किया था उनको। बोले एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तलवार कहाँ जी, ये तो गड्ढा से है, पूरे गड्ढा से चलेंगे। थाली में अगर खीर डाल दी वो गर्म है या ठंडी किसी को नहीं पता था, आंगली डबोते जब पता चलता है। मैं नड़वा हलके की बात करता हूँ, जहाँ जहाँ दुष्यंत जी ने रोड बनाए वहाँ रणवीर गंगवा नारियल फोड़े, कहीं और फोड़े। अब पार्टी बीजेपी कह रही थी 400 पार का नारा दे रही थी, 250 पार करके दिखा दियो। ये कांग्रेस वाले इसी तरह कर रहे थे, करके दिखाइयो पास, कि जिन आदमियों ने आमने सामने चुनाव लड़ा उनको एक ही टोली में चुनाव वोट मांगने पड़ रहे हैं। कहाँ की राजनीति, इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें ये देख रहा था मैं कि कुलदीप बिश्नोई के बूथ से या गंगवा साहब के बूथ से या सावित्री जिंदल के बूथ से वोटिंग ही बहुत कम हुई है उनके वहाँ से। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है। इसी बीच में गंगवा साहब को हमेशा निशाने पर लेने वाले, हुड्डा साहब को निशाने पर लेने वाले जेजीपी के नेता पवन प्रधान गंगवा हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे बात करेंगे आखिर 10 की 10 सीटों पे जेजीपी क्या परफॉर्म करने वाली है, क्या हवा रहने वाली है, इनका विरोध जो हुआ है उसका कितना नुकसान इनको होने वाला है, या फिर आगे इनकी राजनीति कैसे रहने वाली है। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी। पवन जी क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया जी, आपकी सुना, क्या लग रहा है माहौल? माहौल अच्छा है जी, हमने तो पहले दिन ही कहा था कि हमारा अच्छा माहौल रहेगा। कुछ बनेगी बात? कुछ क्यों बनेगी, सारी बनेगी बात। कितने वोट ले जाओगे? सारे के सारे वोट हमारे, 10 की 10 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा। लोग कह रहे थे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हमने 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़े और परिणाम भी आपके सामने 4 तारीख को देखने को मिलेंगे। 9 बजे के बाद में आपके तो बूथ खाली मिले थे हमें। कहाँ मिले थे आपको? हमने हर जगह विजिट किया तो कहीं पे बूथ के ऊपर ही आपके जो एजेंट थे वो गायब मिले थे। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी जो पार्टी है उसके एजेंट हर कोने पे, हर बूथ पे मिले। बाहर कम से कम 100-150 आदमी बैठे थे। अच्छा। हाँ, और जो कह रहे हैं अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी कह रही है सेंटर की पार्टी, कांग्रेस कह रही है सेंटर की पार्टी, कहीं ना कहीं ये देखने को तो जरूर मिला कि इनके पास बूथ पे एजेंट नहीं थे। नहीं, हमारी टीम ने खुद विजिट किया, कई बूथ के ऊपर हम लोग खुद पर्सनली भी गए तो उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि हमने तो जी बीजेपी की तरफ कर दिया ही सारा, बीजेपी जीतेगी, हम तो अगली बार देखेंगे विधानसभा में। कौन कहता है जी? लोग ही बोलते हैं, पब्लिक बोलती है। बीजेपी के साथ थे ही नाम, पब्लिक बोलती है। हमको, हमने चुनाव लड़ना था, 10 की 10 सीटों पे दुष्यंत जी ने चुनाव लड़ा, माता नैना जी ने हिसार से चुनाव लड़ा। अगर चुनाव ही नहीं लड़ना था बीजेपी के साथ थे ही हम। चलो आपकी दुखती रग को मैं और नहीं दुखाऊंगा, हम बात नहीं करते जेजीपी। नहीं बात करो, क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हम बात करते हैं बीजेपी की। रणवीर गंगवा के गांव से हो आप, गंगवा साहब का क्या माहौल है वहां पर? वो रैली की थी, बहुत बड़ी रैली की थी। कहाँ की थी रैली? कैमरी गांव। मैंने आपको मीडिया के माध्यम से पहले भी बताया है कि रैली कहाँ थी गंगवा साहब की, क्या थी? तो बीजेपी की रैली थी, गंगवा साहब ने जिम्मा जरूर लिया था। अच्छा, बीजेपी की रैली? बीजेपी की रैली थी, प्रीबलान रैली थी। नहीं, उसके ऊपर टैग गंगवा साहब, उसके ऊपर स्टैंप तो गंगवा साहब की लगी थी। वो बीजेपी की रैली हो, गंवा साहब की रैली हो, जी रणधीर पनिहार की रैली। रणधीर पनिहार कह रहा है कि मेरी बीजेपी, कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे मेरी बीजेपी, गंगवा जी कह रहे मेरी बीजेपी। सुनने में तो ये आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने खेला कर दिया गंगवा के अंदर, उन्होंने तो इशारा कर दिया कि जेपी की तरफ डाल दो जी वोट, हमने तो गंगवा साहब को देखना है। किसको देखना है? गंगवा साहब तो दिखे दिखे हैं, अब नतीजा आ जाएगा 4 को। गंगवा साहब ने तो 30,000 का जो कटोरा था वो सिर पे ले रखा था, बीजेपी को जिता के निकालूंगा। नहीं, वो तो 40,000 के बोल रहे थे कि 40,000 वोटों से मैं जिताऊंगा यहाँ से, गंगवा से, नड़वा हल्के से। तो आपको ये 4 तारीख है जी, चुनाव के परिणाम 4 तारीख को आने हैं, वो ठीकरा इनके सिर के ऊपर ही रह जाएगा। तो ये जो गेम की जो लोग बातें कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? कौन सी गेम की जी? भाई ये बोला जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने इशारा किया है। ये आप कुलदीप जी से पूछो जी, रणधीर जी से पूछो। पहले तो मैं था साथ में तो मैं बता दिया करता था, खबर तो होगी। अब हम तो बता सकते हैं दुष्यंत चौटाला जी की, कुछ अंदर की खबर तो होगी। अंदर की खबर ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जिन आदमियों ने आमने सामने चुनाव लड़ा उनको एक ही टोली में चुनाव वोट मांगने पड़ रहे हैं। कहाँ की राजनीति, इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। राजनीति खत्म कर दिया आपने? मैंने नहीं, क्या क्या लग अपने आप कर ली। क्या लग रहा है अभी नड़वा में टिके रहेंगे? अब आप ये बताओ, मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं आपको समय लूंगा। जी जी बिल्कुल। पिछली बार विधानसभा में कौन विधायक बने नड़वा की बात करें तो?
रणधीर गंगवा, गंगवा साहब। और सामने विपक्ष में सेकंड नंबर पे कौन रहे थे? रणधीर पनियार। रणधीर पनियार। अब रणधीर पनियार और रणवीर गंगवा के अगर वोट जोड़े आप तो कम से कम ये बात है भी दोनों के 60,000 वोटों से जीत। हाँ, वोट तो इन दोनों को ही मिले थे, बिल्कुल सही बात, इनको ही मिले थे, इनको ही मिले थे। इन दोनों की असलियत जो है ना वो चुनाव के बाद में आ जाएगी। किसी ने कहा क्या जोर मारे, अगर 3600 वोट आए थे गंगवा गांव में, 2500 क्रॉस नहीं करेंगे रणवीर गंगवा में, बता देना चाहता हूँ। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें ये देख रहा था मैं कि कुलदीप बिश्नोई के बूथ से या गंगवा साहब के बूथ से या सावित्री जिंदल के बूथ से वोटिंग ही बहुत कम हुई है उनके वहाँ से। वोटिंग ध्यान हल्के की कर रहे हैं, गाँव में देखना चाहिए, आप परिणाम आपके सामने होगा। तो अब क्या लग रहा है आपको? 2500 क्रॉस नहीं होंगे। नलवा से कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है, जेजेपी जीत रही है, जेजेपी जीतेगी जी, कांग्रेस जीत रही है, जेजेपी जीतेगी जी, 10 की 10 सीटें जेजेपी जीतेगी जी, दुष्यंत चौटाला जी की माता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गंगवा साहब के कहने से नलवा हल्के में बीजेपी कितने वोट लेके जा सकती है? देखो जी मैं बताऊँ, गंगवा साहब की जो राजनीति थी वो 22,000 वोट जो है कुम्हार बिरादरी के यहाँ नलवा हल्का में है और उनकी राजनीति वहां तक सीमित थी क्योंकि वो 22,000 से गिनती स्टार्ट करवाते थे अपने आप। परंतु अब जैसे जैसे लोगों का काम नहीं बना, जिनकी आस थी, अब पहले तो सरकार में नहीं थे कभी, कह नहीं सकते थे रणवीर गंगवा जी को क्योंकि सरकार में रहे नहीं कभी, अब की बार तो पूर्ण बहुमत था, सरकार था, सबको नौकरी लगा देते। डीसी रेट पे भी एक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नौकरी डीसी रेट पे भी नहीं लगाई गंगवा साहब ने, कहाँ से मिलेंगे वोट जी? तो अब टिके रहेंगे नलवा में या फिर कहीं और जगह तलाशनी पड़ेगी? नहीं, टिकने नहीं देंगे जी, टिकने नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। पहले पिछली बार भी कुछ ना कुछ आंकड़ा हमारा जो ठीक ठाक रहता तो हम पिछली बार भी नहीं टिकने देते, परंतु अब की बार तो हमने मन बना लिया। आपको नहीं लगता कि आप दूसरों की बातें करने के बजाय पहले जो ये जेजीपी से जो रोजाना 5-4 निकल रहे हैं बड़े चेहरे, उनको रोकना चाहिए जरूरी है? किसको जी? बड़े बड़े चेहरे सारे निकल गए पार्टी में, बड़े आपके विधायक आपके काबू में है, जोगीराम सिहाग बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, राम कुमार गौतम बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों साथ उधर से वो अपने देवेंद्र बबली है वो जी सैलजे की सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जी मैं बताऊँ आपको, एक दौर होता है जी राजनीति में, 4.5 साल जी दुष्यंत जी रहे, वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, ये पीछे ताली बजाने वाले लोग थे, दुष्यंत जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब सत्ता से दूर हुए हैं, जनता से दूर थोड़ी ना हुए दुष्यंत जी, जनता दोबारा समर्थन करेगी, जनता अपना प्यार देगी, जनता में दुष्यंत जी गए हैं, उनको जो जो हुड्डा ग्रुप जो कहते हैं आप, जिन्होंने कांग्रेस को भी खत्म कर दिया, उस हुड्डा ग्रुप ने मोनोपोली बना लिया था कि दुष्यंत ने सरकार में रहते हुए किसानों के काम नहीं किए, परंतु अब जैसे जैसे ग्राउंड पे हम गए, आपने देखा होगा पहले हमारा विरोध था, मैं कह सकता हूं अभी विरोध है, मैंने देखा अभी भी विरोध है, नाराजगी थी, परंतु दुष्यंत जी ने जैसे जैसे इनके अंदर घुस के लोगों से बातचीत की, अपने बताया कि मैं सरकार में तब था तभी आपके काम पड़े। उड्डा साहब तो ना साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो इंजन लो वाले हैं, जेजीपी वाले हैं, ये वोट काटने के लिए आए, इनके पल्ले धल्ले कुछ बचा नहीं है, हमारे वोट खराब करेंगे, कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार रहा है जी, आपको पता है इस बात का? आप ही बता रहे हो मेरे को, तो अभी सुना है मैंने आपसे। नहीं मैं बता दिया आपको, करिए दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारेगा जी। उन्होंने हमेशा जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति की, मैंने तो इशार में चैलेंज किया था उनको, वो तो दावा, आप क्यों नहीं आए? वो तो दावा कर रहे हैं कि जी ये मेट्रो गुड़गांव बहादुरगढ़ तक तो आ गई है, हिसार में कौन सी मेट्रो रोहतक तक आएगी, रोहतक से हिसार तक भेजो, हिसार में कौन सी मेट्रो भेजी थी उन्होंने, सरसा कौन सी मेट्रो भेजी थी, हासी कौन सी मेट्रो भेजी थी, कौन सा कहाँ काम किए दुष्यंत जी ने किए, मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। अगर काम के मामले में दुष्यंत जी ने 26 साल की उम्र में जब पहली बार उनको सदन में जाने का मौका मिला तो दुष्यंत चौटाला जी ने वो काम करके दिखाया कि शायद ही कोई यहाँ का एमपी की कभी नाम ही नहीं सुनने को मिल रहा था, दुष्यंत जी का पूरे हरियाणा में नाम हुआ 26 साल की उम्र में, उन्होंने किसानों के जो ट्रैक्टर पे टैक्स लग रहा था ये किसानों का ही तो है, उसको टैक्स मुक्त करवा के 25,000 रुपये लगते जी हर गाँव हर बच्चे के। अब सता मेरे कि उन्होंने बैकवर्ड को आरक्षण दिवाने का काम किया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिवाने का काम किया, दुष्यंत जी ने एयरपोर्ट बनाने का काम किया हिसार में, फ्लाई ओवर बनाने का काम किया, दुष्यंत जी ने उद्घाटन तो बहुत, मैं नड़वा हल्के की बात करता हूँ, मैं नड़वा हल्के की बात करता हूँ, जहां जहां दुष्यंत जी ने रोड बनाए वहां वारणवीर गंगवा नारियल फोड़े, कहीं और फोड़े?
कौन सा रोड बना दिया आपने नलवा में? कमाल कर रहे हो आप, आर्य नगर रोड लो, धीनवास रोड लो, नहीं वो एक मेन रोड है, तो शाम रोड लो आप, तो शाम रोड है जो आधा नलवा में पड़ता है, आधा तो शाम में पड़ता है, वो अभी तक आधा रोड नहीं बना आप लोगों से। हमने तो जी पूरा पूरा काम कर दिया, टेंडर हो चुके हैं अब। आर्य नगर वाले आप ठीक कह रहे हो, आपकी काम चल रहा है, आपको ये लग रहा होगा अभी काम, ये दुष्यंत जी की मेहरबानी थी जी। दुष्यंत जी ने पहली कलम से यहाँ के लोगों को देखते हुए पहले झटके से दुष्यंत जी ने काम करवाया था जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने वो डाला क्या? मैंने बिल्कुल डाला जी। किसको दिया है? कमाल कर रहे हो जी, मैंने तो डलवाए हैं। किसको डलवाए हैं? जेजेपी को। नहीं आजकल सारे भूत होते हैं, उधर से सुनने में आ रहे हैं कि जी कुलदीप ने इशारा कर दिया जेपी को कर दो, उधर से वीरेंद्र सिंह ने इशारा कर दिया कि बीजेपी को कर दो, कांग्रेस बीजेपी को करवा रही है, बीजेपी कांग्रेस वालों को करवा रही है, समझ में नहीं आ रहा राजनीति किस दौर में जा रही है। ये कहता हूँ जी आपको, जो आदमी इशारा करते हैं उनको अपनी साख भी तो बचानी है। आप कह रहे हो कुलदीप बिश्नोई ने इशारा कर दिया, मेरे को तो लग नहीं रहा। मैं यही पूछ मैं तो ये कह रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ कि जेजेपी ने भी कहीं इशारा तो नहीं कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर असल मायने में रणधीर पनियार और रणवीर गंगवा एक गाड़ी में है, तो कम से कम जो रणवीर और रणधीर के वोट आए थे वो कम से कम एक पालटे में लिया के तोल दे, मानेंगे भी दोनों लीडर हैं। अब कहाँ देखते हो दोनों का? पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने टिकट दिलवा दी जोर लगा के, जो होना था वो हो गया। आप दोनों को कहाँ देख रहे हो? आप दोनों मिला के कितने वोट? दोनों के दोनों जी एक ही प्लेटफॉर्म पे चढ़े हुए हैं। अच्छा। वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं डगमगाने वाला है, वो जल्दी आप विधानसभा में देखो। वही बात होगी, बोले एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती। तलवार कहाँ जी, ये तो गड्ढा से है, पूरे पूरे गड्ढा से चलेंगे चलेंगे। तलवार कहाँ है? मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। बिल्कुल काट रहे हैं जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो चुनाव का नतीजा आ जाएगा 4 तारीख को, आपको करारी हार मिलेंगी, तब आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बारे में। एक और खबर मिली है बड़ी बड़ी, नौड़ती सी खबर मिली है, एक अपने कांग्रेस के बैकवर्ड नेता है, काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ भी उन्होंने करवाई हैं, रोड शो भी निकलवाए थे जी उसमें, अभी लास्ट टाइम पे उन्होंने इशारा कर दिया कि नहीं इधर नहीं, कमल के फूल तक की तरफ जाओ। वो देखो जी उनकी मंशा है, वो क्या कर रहे हैं, हुआ है ऐसा कुछ? मेरे को पता नहीं है, मेरे को खबर मिली, मेरी फोन पे कम बात होती है उनसे। अच्छा अच्छा, बात तो गंगवा साहब की और कोटला साहब की होती होगी, आप यही कहना चाहते हो? नहीं मैं नाम ले रहा ना, नाम तो आपने लिया है, नाम तो आपने लिया है ना, मैं बता दिया आपको, फोन पे उन बड़े नेताओं की बात होती है, मैं तो जमींदार आदमी हूँ जी, और किसानी करते हैं हम और पब्लिक के बीच में रहते हैं जी। ये तो बड़े बड़े नेता है, रैली करने तो क्या पता कहाँ किस तरीके से कर दे ये रैली, परंतु ग्राउंड की इनको नतीजा पता नहीं। अभी लोकसभा में विधानसभा लोकसभा में जो रिजल्ट आएगा ना बरवाड़ा और नड़वा का, वो देखने योग्य होगा, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, वो देख लेना जी आप, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो इस बार आप भी कहीं ना कहीं से बैटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं? बैटिंग की देखो जी, दुष्यंत जी की पार्टी में है, दुष्यंत जी को सोचना है, हमारी पार्टी एक क्या पता आम कार्यकर्ता को दे दे, उसमें कोई किसी का भी नाम हो सकता है। मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे पार्टी के लिए, क्या दिक्कत है? हमने तो पहले कुलदीप बिश्नोई के लिए मेहनत की थी, अब दुष्यंत जी के लिए कर रहे हैं। तो इस बार भी कहीं वो मेहनत वो कुलदीप बिश्नोई की तरफ ही तो नहीं चलेगी आप वाली, पहले जो मेहनत की हुई याद आ गया वो भी नहीं यार, काम तो कुलदीप के लिए किया था। देखो जी मैं बताता हूँ, ये मेहनत जो कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, कुलदीप की तरफ ही सरकार दो आप। 17 साल की उम्र में राजनीति शुरुआत कर दी थी, और वो राजनीतिक दौर मेरे को याद है। मैं ये नहीं कहता कि कुलदीप बिश्नोई ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को पहचान दी है वो कुलदीप बिश्नोई की वजह से। आज पूरे हलका में, आज पूरे हरियाणा में कोई अगर मेरे को जानता है तो वो कुलदीप बिश्नोई की वजह से। अब मैं मेरी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, दुष्यंत जी के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने किया सत्ता में उनको छोड़ के कुलदीप बिश्नोई जी को, अब हमारी राजनीति हम करेंगे दुष्यंत जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो दुष्यंत जी का तो लोग बोल रहे हैं कि अभी तो टाइम लगेगा उनको, अभी तो विरोध हो रहा है, अभी तो उनको 10-15 साल लग जाएंगे उठने में, खड़े होने में। जब इस राउंड में वो दुष्यंत जी उतरे थे तो उनकी फैमिली और प्रतिद्वंदी क्या कह रहे थे कि अभी बच्चा है ये, अभी इसकी बात बढ़ने वाली नहीं है, हाँ आगे बढ़ सकती है 5 साल बाद में, कहते थे ना? बिल्कुल कहते थे। लोगों ने मनसा जायज करके जो कांग्रेस से और बीजेपी से भाग भाग कर टिकट ली थी दुष्यंत जी से, पता है कुछ लगा उनको दुष्यंत जी के बारे में, उनको लगा कुछ भी दुष्यंत जी कुछ कर सकते हैं, भाग भाग के आए थे नहीं आए थे, दुष्यंत जी ने उनको जिताने का काम किया। आप किस आदमी की बात करोगे, कहीं कहीं किसी चौका नहीं था, उस आदमी को उन्होंने MLA बनाने का काम किया। चलो ये तो चलो बात अलग हुई, अब जनरली मेरे को ये बताओ कि हरियाणा में 10 सीटें में से कितनी सीटें कौन लेके जा रहा है आपके हिसाब से? देखो जी मैं बता देता हूँ आपको, जनता एक बात और बता दूँ, अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था दुष्यंत जी का, तो वो बोल रहे थे कि जी 4 सीटों पे हम स्ट्रोंग दिख रहे हैं,
आप 10 की 10 की बात करो, 4 सीटों पे हम स्ट्रोंग दिख रहे हैं, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, इसका इसमें उनका कहने का मतलब यह है कि हम जीत कहीं से भी नहीं रहे, बट हम वोट अच्छे खासे लेके जाएंगे। दुष्यंत जी का एक ही मकसद है जी, जनता का प्यार हमें मिलना चाहिए, जनता में खड़ा रहना जरूरी है जी। इंसान को जनता फैसला करेगी। अब पार्टी बीजेपी कह रही थी 400 पार का नारा दे रही थी, 250 पार करके दिखा दियो। ये कांग्रेस वाले इसी तरह कर रहे थे, करके दिखाइयो पास। हम तो ये कहते हैं कि ग्राउंड में रहेंगे, जनता को विश्वास जताना है, जनता विश्वास करेगी तभी वोट आएंगे। हाँ, कुछ लोगों ने भ्रतिया फैलाने का काम किया था, जैसे कि हुड्डा साहब हो गए, और हो गए। अब हुड्डा साहब को बार बार निशाना बढ़ा रहे हो, पिछली बार भी आप कुछ हुड्डा साहब के बारे में बोल रहे थे कि हुड्डा साहब में हिम्मत है तो आओ इस हाथ में चुनाव। मैंने कहा था फिर आया, डर गए ना। तो वो तो बोल रहे थे कि मैं तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, मेरा बेटा लड़ेगा चुनाव। कहाँ लड़ेगा बेटा, वो तो विधानसभा लड़ दिया बेटा। आप 4 तारीख को देख लेना, आप दीपेंद्र जी चुनाव हारेंगे। मैं दीपेंद्र, इन्होंने दिया क्या है, किसको क्या दिया बताओ। इन्होंने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति की है हमेशा ही, किसको क्या दिया बताओ। तो ये जो रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर की सीटों के ऊपर जो उनका एक तरफा प्रभाव है, वो ऐसे ही तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा तभी तो। मैं ये कहता हूँ जी, हाँ, ये बात सुनने में आई है कि रोहतक वाले एरिया को छोड़ के इधर वाला एरिया का थोड़ा सा उन्होंने बड़ा इग्नोर किया है, बड़ा अवॉइड किया है इन चीज़ों को विकास करवाने में। तो इस चीज़ को मैं बात कर सकता हूँ आपसे। ये जो दुष्यंत जी ना, जब MP थे और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ा प्लांट हरियाणा में स्थापित करने के लिए दुष्यंत जी ने बहुत प्रयास किए, परंतु जब राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक जो है प्री प्लान थे, इन्होंने जो जहर जातिवाद का घोल के पूरे हरियाणा में हरियाणा का जो नाश करने का काम किया, वो जनता को अब समझ में आ रहा है। एक बार थाली में अगर खीर डाल दिए, वो गर्म है या ठंडी किसी को नहीं पता था, आंगली डबोते जब पता चलता है। चलो लास्ट मेरे को बताओ, फाइनल बताओ कि जेजेपी है कुछ उम्मीद, जेजेपी की से? जेजेपी की फुल उम्मीद है जी, फुल उम्मीद है। आप नहीं मानोगे, मतलब क्या नहीं मानेंगे जी, भाई क्या परफॉर्मेंस रहने वाली, कमाल करे हो जी। हर आदमी ने, हर आदमी के मन में ये है कि दुष्यंत चौटाला जी को हम CM देखना चाहते हैं। दूसरे एंगल से पूछता हूँ कि कहाँ पे सबसे मजबूत है, कहाँ पे मजबूत है, पूरे हरियाणा में कहाँ पे सबसे मजबूत है? दुष्यंत जी से बड़ा कोई मजबूत आदमी नहीं है। अब दुष्यंत ने 10 कैंडिडेट उतार रखे, उनमें से सबसे मजबूत कौन है? सारे के सारे मजबूत है, तभी उतारे हैं जी। अच्छा, मैदान में कोई आता है, जब पार्टी किसी को भेजती है तो मजबूत देख कर ही भेजती है, कमजोर देख के भेजती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ गंगवा से पवन प्रधान गंगवा, जो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इनका बोल रहा है कि हम 10 की 10 सीटों के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। दुष्यंत ने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि हम 4 सीटों पे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, हालांकि जीतने की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने बोला था कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये है कि अच्छे खासे वोट लेके जा सकते हैं, वहाँ पर जीतने की उम्मीद कम ही लगती है। हालांकि सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, आने वाले नतीजे क्या रहने वाले हैं 4 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ, देखते रहें, जुड़े रहें। नमस्कार।